नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। टीम रायगढ़, सक्ती, बिलासपुर के 33 ठिकानों में दस्तावेज खंगाल रही है। हालांकि अधिकांश ठिकानों से टीमें लौटने लगी है। जानकारी के मुताबिक कुछ माह पूर्व हुए सर्वे के बाद से एनआर समूह के डायरेक्टर्स बेखौफ होकर निवेश और खर्च करने लगे थे। इसी दौरान अग्रवाल बंधुओं ने फैक्ट्री विस्तार और स्थापना के लिए 5400 करोड़ का MOU किया। अफसर अब तक जब्त कागजों और लूज पेपर्स के हवाले से पूछताछ कर रहे हैं। उधर सक्ती के श्याम सुंदर अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, आनंद अग्रवाल से भी पूछताछ के लिए उनका इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पहले दिन अफसरों के पहुंचने की खबर लगते ही ये लोग घर नहीं लौटे। इनकी वापसी के लिए पत्नी और बच्चों से कॉल करवाया जा रहा है। सक्ती के इन अग्रवाल बंधुओं का पेट्रोल का बड़ा कारोबार है। इनके 17 पेट्रोल पंप है। TNR इस्पात रायगढ़ के डायरेक्टर संजय अग्रवाल के रायगढ़ लॉ विस्टा रायपुर में रहने वाले रामगोपाल अग्रवाल और सक्ती के श्याम सुंदर अग्रवाल के घरों और दफ्तरों में जांच कर रही है। इनके अलावा बिलासपुर के रियल एस्टेट कारोबारी बजरंग महावीर अग्रवाल, रायगढ़ गजानंद नगर के ही कोयला कारोबारी राकेश शर्मा के यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। उधर बिलासपुर ईदगाह भाटा निवासी बजरंग महावीर अग्रवाल के यहां भी जांच चल रही है। इनका रियल एस्टेट, तेंदुपत्ता और राइस मिलिंग का कारोबार। बहरहाल सभी टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इन कारोबारियों के साथ उनके चार्टेड अकाउंटेंट के यहां भी जांच और पूछताछ हो रही है। बीते 3 से 5 वर्षों के IT रिटर्न, कच्चे और उत्पादित माल का वेरिफिकेशन, खरीदी बिक्री, वेतन भत्तों और ज्वेलरी शेयरों में इन्वेस्टमेंट, लॉकर्स आदि को भी खंगाला जा रहा है। अब तक की पड़ताल में आयकर अफसरों को सभी ठिकानों से बड़ी तादाद में ज्वेलरी मिली है जिसका वैल्यूएशन कराया जा रहा है। वहीं इन ठिकानों से 1.50 करोड़ कैश सीज किया गया है। इन कारोबारियों के आधा दर्जन बैंक लॉकर मिले हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।